दोस्तों इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन के कई किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्हीं में से एक है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसमें इजराइल ने अपने देश से 1000 किलोमीटर दूर स्थित एक शत्रु के देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़वाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में। 27 जून 1976, जगह है इजराइल की राजधानी तेल अबीब का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात करीब 11 बजे फ्रांस की एयरबस A300 इजराइल की राजधानी तेल अबीब से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। दोस्तों इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू के 12 सदस्य सवार थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। दोस्तों लगभग 1.5 घंटे बाद यह फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां से इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 फलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंधित थे। दोस्तों इन आतंकवादियों को इस प्लेन का अपहरण करना था। एथेंस से इस फ्लाइट ने जैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी, इन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजेक कर लिया। शुरुआत में आतंकवादियों ने इस प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी लेकर गए, जहां हाईजेकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया। दोस्तों 7 घंटे बेनगाजी में रुकने के बाद आतंकवादियों ने एक महिला को बीमार होने के कारण रिहा कर दिया। इन आतंकवादियों ने कई अरब देशों में इस प्लेन को लैंड करने की मांग की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से कई देशों ने विमान के लैंडिंग से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों 28 जून को दोपहर 3 बजे इन हाईजेकर्स ने विमान को युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डा पर लैंड कर दिया। वहां का तत्कालीन तानाशाह इदी अमीनी ने इन हाईजेकर्स को वो सभी सुविधाएं दी जिसकी उन्होंने मांग की। आतंकवादियों के कहने पर ही इदी अमीनी ने अपनी सेना के खास लड़ाकों को बंधकों की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। दोस्तों लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी इजरायली यात्रियों को पास बने एक टर्मिनल में ले जाया गया। इधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच गई। दोस्तों इजरायली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की और इस दौरान फैसला लिया गया कि पहले आतंकवादियों की मांग को सुन लिया जाए। दोस्तों आतंकवादियों ने इजराइल की विभिन्न जेलों में बंद अपने सैकड़ों साथियों को छोड़ने की मांग रखी, और इतना ही नहीं दोस्तों उन्होंने विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने और $5 मिलियन की मांग भी कर रहे थे, और इसके लिए आतंकवादियों ने इजराइल को 48 घंटे का समय दिया था। दोस्तों इजराइल की नीति आतंकवादियों के साथ कोई भी समझौता ना करने की रही है, जिसके कारण उन्होंने आतंकियों को उलझाने के लिए चाल चली और इस डील को लेकर बातचीत करने शुरू कर दी। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंटेबे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटाने शुरू कर दी। दोस्तों 30 जून को आतंकियों ने बंधक बनाए गए लोगों में से 48 को रिहा कर दिया, जिनमें से अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग थे। उसके बाद इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया गया। दोस्तों इतने कम समय में इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजेकर से 4 जुलाई तक का समय मांग लिया, जिसके बाद आतंकियों को भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए उन्होंने गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। दोस्तों अब एंटेबे हवाई अड्डे पर केवल 94 इजरायली यात्रियों के साथ कुल 116 लोग ही बंधक बचे थे। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे दी, और इस दौरान मोसाद ने गैर इजरायली बंधकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली। दोस्तों 3 जुलाई को ही इजरायल से 100 कमांडो की टीम C-130 सुपर हरकुलस विमानों से उगांडा के एंटेबे के लिए उड़ान भरी। इन विमानों में उन्होंने काले मर्सिडीज कारों का एक दस्ते को भी लोड किया था, क्योंकि उस समय उगांडा का तानाशाह इदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कारों से ही घूमता था, इसलिए आतंकियों और युगांडा की सेना को भ्रम में डालने के लिए इजराइल ने यह चाल चली। दोस्तों इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम थी जबकि दूसरे में यात्रियों को वापस लिया जाना था। दोस्तों जैसे ही ये विमान रात को एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरे, काले मर्सिडीज कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ चला, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इदी अमीन उस समय उगांडा में नहीं था। ऐसे में इजराइल की पोल खुल गई, लेकिन बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के कारण कमांडो तेजी से बंधकों के पास पहुंचे और हिब्रू भाषा में चिल्लाए कि लेट जाओ। दोस्तों इस कार्रवाई में सभी आतंकवादी और युगांडा सेना के लगभग 50 जवान मारे गए, जबकि इजराइल के 3 बंधकों की मौत हुई। दोस्तों आते समय इजरायली कमांडो ने एयरपोर्ट पर खड़े उगांडा के सभी फाइटर प्लेन को बम से उड़ा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई। दोस्तों दूसरे देश में इस सफल ऑपरेशन के बाद मोसाद और इजरायली फौज की जमकर तारीफ हुई।